वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। बलात्कार के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गिरफ्तार। सामूहिक बलात्कार के आरोपी उत्तर प्रदेश के निवर्तमान परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी ने बताया कि फरार चल रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में 7 आरोपी नामजद थे। गौरतलब है कि एक महिला ने गायत्री प्रजापति और उसके साथियों पर बलात्कार का आरोप लगाया था। स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला उच्चतम न्यायालय की शरण में गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आदेश पर गत 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके अंग रक्षक समेत 6 साथियों के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरार गायत्री पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को उसके दोनों बेटों को हिरासत में लिया था। गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप है। गायत्री प्रजापति अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव भी हार गए हैं। गायत्री और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की भी जांच चल रही है। ये जांच लोकायुक्त कर रहे हैं। इससे पहले गायत्री प्रजापति की उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। प्रजापति को फरवरी 2013 में सिंचाई राज्य मंत्री बनाया गया और उसी जुलाई में खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उसके चंद महीनों बाद जनवरी 2014 में वे कैबिनेट मंत्री बन गए। फरवरी में उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति एकत्र करने और राज्य में अवैध खनन को प्रश्रय देने के आरोप लगे। सितंबर 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। नतीजतन कुछ समय बाद उनको अखिलेश ने कैबिनेट से हटा दिया। हालांकि उसके बाद मुलायम के हस्तक्षेप के चलते उनकी वापसी हुई। और अब नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। आडवाणी हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति, मोदी ने आगे बढ़ाया नाम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जान से मारने की धमकी। शक्ति परीक्षण से पहले पर्रिकर को एक और निर्दलीय का समर्थन। अभिनेता जितेंद्र के चचेरे भाई नितिन कपूर ने की आत्महत्या। और न्यूयॉर्क में भीषण बर्फीला तूफान, घरों में कैद हुए लोग।